आज आपको छोटे बच्चों के लिए एक बहुत आसान उपचार बता रहे हैं और ये समस्या जैसे बच्चा बहुत छोटा है उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाने की वजह से ये बच्चे दिन में खेलते हैं सोते हैं और रात को सोने के समय पे जागते हैं रोते हैं। ऐसे में माता पिता के लिए परेशानी रहती है, उनको भी बच्चों के साथ में जागना पड़ता है। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान उपचार बता रहे हैं। जो बिना दवा का एक्यूप्रेशर के द्वारा आप इन बच्चों का जो डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको कैसे आप उसका टाइम को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये चाहिए। इनके यहाँ पर जो है इनका एक्यूप्रेशर बिंदु है गवर्निंग वेसल्स 20। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट कैसे देंगे वो आपको हम बताने जा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी हथेली को मसलिए और जब ये गर्म हो जाए, इस तरह से गर्म हो जाने पर इसको यहाँ से इस तरह से सेकिए और ये काम आपको कब करना है जब उन्हें सुलाना है। तो रोज रात को 8, 9, 10 बजे जब आप सोचते हो कि हम इन्हें सुलाना चाहते हैं, ऐसे करते रहे और लगभग 5 मिनट तक रोज आप ये उपचार करें। अगले 2 दिन में 3 दिन में ही उनका बायोलॉजिकल क्लॉक का टाइम चेंज हो जाएगा और फिर वह सोने के टाइम पे ही सोया करेंगे। इस तरह से ये बड़ी आसानी से किया जाने वाला ट्रीटमेंट है जो इस तरह से इनको ये करेंगे, इस तरह से गर्म करेंगे और GB20 पर इसको टच करेंगे तो इनका टाइम चेंज हो जाएगा। और दूसरा उपचार हम आपको बता रहे हैं, ऐसे गोद के बच्चे जिनको पेट खराब हो और बार बार उनको मोशन हो रहा हो, उसके लिए कलर थेरेपी में हम आपको बता रहे हैं। इनको आप हथेली में जो पॉइंट आ रहा है CV3, आप CV3 पर ब्लैक कलर स्केच पेन से लगाएं। इस तरह से आप देखिए यहाँ ये बिंदु CV3, इस पर ब्लैक कलर लगाएंगे तो अगर बच्चे को पेट दर्द है, मोशन हो रहे हैं, वह है बहुत जल्दी आराम मिलेगा और ये रंग चिकित्सा दिन में ज्यादा काम करेगी। रोज दिन में इसको लगाएं और 2-3 घंटों के बाद इसको साफ कर दें इस क्रीम से, उन बच्चों का पेट सही हो जाएगा। धन्यवाद।